हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले डार्क साइड ऑफ स्टॉक मार्केट। तो अच्छी चीजें तो काफी सारे लोग बताते हैं, लगभग सभी लोग बताते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्क साइड ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसके बारे में काफी कम लोग। फर्स्ट चीज जो आती है, स्टॉक मार्केट क्यों है, स्टॉक मार्केट की जरूरत क्यों पड़ती है। तो जो बड़ी कंपनियां हैं, जब उन्हें कोई नया प्रोजेक्ट बनाना होता है तो उन्हें काफी सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, जो कि कोई एक आदमी अकेले पूरा नहीं कर सकता। तो इसके लिए वो पब्लिकली आती हैं और हम जैसे लोग उसमें काफी सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसके बदले में हमें वो कुछ शेयर्स देते हैं जिनके कि हम मालिक होते हैं। उसके थ्रू जितना परसेंट वो शेयर हमें देंगे, उतने परसेंट हम कंपनी के मालिक हो जाते हैं। तो कंपनियां हमसे पैसा लेती हैं, उसके बदले में वो हमें शेयर देती हैं, उस पर हमें रिटर्न मिलता है। जितने टाइम तक हम उन शेयर को रखेंगे, जितनी उनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, उतना रिटर्न हमें उस पर मिलेगा। साथ ही साथ जब कंपनियों को ज्यादा प्रॉफिट होता है तो वो डिविडेंड वगैरह भी देती हैं। फिलहाल अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। और गाइस, सेकंड चीज जो आती है वो ये है कि हम स्टॉक मार्केट में एंटर ही क्यों करते हैं। तो हम अपने पैसों पे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न पाने के लिए स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं। तो अगर हम अपने कुछ पैसे बैंक में FD वगैरह करा के रखेंगे तो हमें उस पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम वही पैसे के कुछ स्टॉक मार्केट में शेयर ले लेंगे या फिर किसी म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर देंगे तो हमें उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको इजिली 12 से 15% तक का रिटर्न तो मिल ही जाएगा। अगर आप सिंपली Nifty 50 इंडेक्स में भी इन्वेस्ट करके छोड़ दे तो वहाँ भी आपको 12 से 15% का इजिली रिटर्न मिल जाता है। जहाँ पर बात करें पिछले साल की 2021 की, तो वहाँ पर Nifty 50 इंडेक्स ने 24% तक का रिटर्न दिया हो। मतलब अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो 124 रुपये होके आपको मिलते, और अगर आप कितने भी ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो वो उस हिसाब से कंपाउंडिंग के हिसाब से वो बढ़ता जाएगा। तो आपको कंपाउंडिंग भी सीखनी पड़ेगी। हालांकि स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। और गाइज, इसी में थर्ड चीज़ जो आती है वो ये है कि आप स्टॉक मार्केट में एंटर करते टाइम क्या सोच के आते हो, आपका माइंडसेट क्या होता है स्टॉक मार्केट में आने के टाइम। तो आप उस समय केवल ROI के बारे में सोचते हो, मतलब कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जिनके बारे में आपको नहीं पता है। तो जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उस कंपनी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कंपनी किस तरह से वर्क कर रही है, वो क्या प्रोडक्ट बना रही है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे। ऐसा नहीं कंपनी धुआं धुआं फैलाया जा रही है और एनवायरनमेंट बिल्कुल ख़राब होकर रखा है, काफ़ी सारा केमिकल फैला रही कंपनी, उससे काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। साथ ही साथ आपको कंपनी के काफ़ी सारे पैरामीटर होते हैं जिनको जानने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस जाननी पड़ेगी कि किस हिसाब से होती है। आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। साथ ही इसमें एक और चीज आती है जो कि आती है इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का नाम हो सकता है आप लोगों ने सुना होगा। इनसाइडर ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग कहलाती है जैसे कि किसी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स हैं या फिर किसी कंपनी का कोई ऐसा वर्कर जो कि कंपनी में काम करता है और उसे उस कंपनी के बारे में काफी सारी चीजें पता है, काफी न्यूज वगैरह पता है, तो अंदर से ही किसी को इंफॉर्मेशन लीक कर देता है। जैसे कि मेरा कोई दोस्त है और वो किसी कंपनी एक्स कंपनी में काम करता है और उसने मुझे कोई इनसाइडर न्यूज दे दी कि इस कंपनी में कल एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है और आज रात में ही मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दूं और मेरा शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत है और उसके बारे में काफ़ी सारे रूल रेगुलेशन भी है। हालांकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी शामिल है, जिसके एग्जांपल आपको यहाँ पे बगल में देखने को मिल रहा होगा, स्क्रीनशॉट मैंने लगाया हुआ है, तो अभी मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं। आपने इन्फोसिस कंपनी का नाम सुना होगा जो कि काफी बड़ी IT कंपनी है, जिसके कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 3 लाख रुपए पेनाल्टी देनी पड़ी थी सेबी को इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से। और आपने PC ज्वेलर्स का भी नाम सुना होगा जिसके कि मैनेजिंग डायरेक्टर बलराम गर्ग भी इनसाइडर ट्रेडिंग में शामिल हो चुके हैं। तो ये कोई एक दो केस नहीं, इस तरह के काफी सारे केस आते रहते हैं बीच बीच में, तो आपको इन सब पे भी नजर रखनी होगी। और इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और गाइस, फाइनली जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है न्यूज़। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो तो आपको वो अभी के अभी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो न्यूज़ आपके पास आ रही है वो काफी पहले ही बहुत सारे लोग उसे देख चुके हैं, और हो सकता है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल हैं या जिन्हें हम ऑपरेटर कहते हैं वो उसके अपोजिटली काम कर रहे हो। हो सकता है आप बाय कर रहे हो तो वो सेलिंग कर रहे हो और इस वजह से प्राइस नीचे आ सकता है और आपका काफी बड़ा लॉस हो सकता है। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट में काफी सारी फेक न्यूज फैलाई जाती है जिन पे कि आप ध्यान नहीं देते हो। अगर आपके व्हाट्सएप पे कोई न्यूज आती है आपको लगता है कि ये मेरे ही पास है, ये सिर्फ मुझे ही पता है, लेकिन उसके पहले आपके बहुत पहले ही वो काफी सारे लोगों के पास वो न्यूज जा चुकी है और वो जानबूझ के फैलाई गई होती है ताकि आप उन शेयर्स को खरीदो। या किसी कंपनी के बारे में कोई न्यूज ऐसी फैलाई जाती है जिसका कि लाइव एग्जांपल आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा।
सितंबर 2018 में इन्फीबीम एवेंजर के शेयर 73% डाउन हो गए थे केवल एक व्हाट्सएप के फेक मैसेज फैलाने से। इस तरीके की काफी सारी न्यूज आती रहती है तो इनपे आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। साथ ही साथ काफी सारे लोग अपने शेयर का प्राइस बढ़वाने के लिए एड वगैरह फैलाते हैं, पेड न्यूज वगैरह कहलाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस 2 या 3 रुपए है और अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल उसमें 1 या 2 करोड़ रुपए डाल देता है तो उसका प्राइस वैसे ही काफी ज्यादा ऊपर हो जाएगा और उसके बाद फिर वो फेक न्यूज वगैरह फैला देते हैं जिसमें कि आप लोग भी उसे खरीदने लगते हो और वो शेयर प्राइस और बढ़ता जाता है और उसी टाइम पे वो अपना शेयर्स वगैरह बेच के और अपना प्रॉफिट कमा के निकल जाते हैं और फंस जाते हो आप लोग। तो ये पंप और डंप की कहानी है। पंप और डंप का एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा TTML का, टाटा टेली सर्विसेज का। ये अभी न्यू शेयर आया हुआ था, मैं भी इसमें फंस गया था, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ये पंप और डंप की कहानी थी, मतलब अचानक से इसे ऊपर ले गया गया, फिर से नीचे लाया गया, फिर से ऊपर ले गया गया, फिर से नीचे लाया गया, तो इसमें काफी सारे लोग फंस जाते हैं। साथ ही साथ आपने पेनी स्टॉक में यस बैंक का नाम तो सुना ही होगा जिसमें कि काफी सारे जो लोग न्यू स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं वो उसमें फंसते ही फंसते हैं। अगर 100% में से 70% लोग तो यस बैंक को बाई करते ही हैं स्टॉक मार्केट में एंटर करने के बाद। तो आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप बिल्कुल भी इसमें मत फंसिएगा, मैं आपको बता दूं। हो सकता है यस बैंक फ्यूचर में बढ़े लेकिन आप उस शेयर के फंडामेंटल्स के बारे में पहले जानिए, उस शेयर के क्या फ्यूचर है उसके बारे में पहले जानिए, उसके बाद आप उन शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए। या और आप में से काफ़ी सारे लोग ये गलती करते हो कि हम बड़े इन्वेस्टर्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि इंडिया के वॉरेन बफेट, राकेश झुंझुनवाला सर और राधाकृष्ण धामानी सर। ठीक है, उन्हें फॉलो करते हैं लेकिन भाई उनका लेवल अलग है और हमारा लेवल अलग है। वो जिस शेयर में पैसा डालेंगे हमें उसमें आँख मूंद के उस शेयर में पैसा नहीं डालना, हमें पहले उसके फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे। कंपनी वर्क अच्छा कर रही, कंपनी के जो वर्कर हैं वो कंपनी से खुश हैं, कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही वो अच्छा, उसका एनवायरमेंट पे असर अच्छा है, तभी हमें उसमें पैसा डालना है। सारे फंडामेंटल्स और पैरामीटर्स जानने के बाद ऐसा ही आपको नहीं डाल देना, क्योंकि उनके पास काफी सारा मनी है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर वो किसी कंपनी के शेयर में 5 से 7 करोड़ रुपए डाल भी देते हैं और उस कंपनी का शेयर प्राइस 1 से 2 रुपए भी मूवमेंट करता है तो वो 50 से 60 लाख इजीली अर्न कर सकते हैं बिना कुछ किए, लेकिन आप नहीं कर पाओगे मेरे भाई, क्योंकि आपके पास लो मनी है। तो आपको ये चीजें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। और अगर आप बड़े इंस्टीट्यूशनल का पोर्टफोलियो देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाके आप काफी बड़े इंस्टीट्यूशनल का पोर्टफोलियो वगैरह देख सकते हो। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आगे, बहुत ही मज़े के साथ हम काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, उसके लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, बाय बाय।